वेलकम बैक। बुध को जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ज़ोहरानी की दावत पर पीटीआई के रहनुमा असद कैसर की रिहाइश का पहुंचे। मुलाकात में आन्ही तरमीम के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मौलाना फजल रहमान ने आन्ही तरमीम पर अपना बयानिया खुलकर पेश कर दिया। कहा, हुकूमती बिल के मुसवदे को मुकम्मल मुस्तरद करता हूँ। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, हमने हुकूमत का मुसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। हुकूमत कह रही है हमारा कोई मुसवदा नहीं। मौलाना फजल रहमान ने कहा, मुसवदा किसी को दिया गया और किसी को नहीं। जो मुसवदा मुहैया किया गया वो क्या था? इस वक्त तो हम लोग तो हमने उनका मुसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मुसवदा है ही नहीं, तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? तो किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था? लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुतालबा उसका मुताला किया है, तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इस पर साथ करें। पीटीआई और जेयूआई पार्लियामेंट में मिलकर चलेंगे। मौलाना साहब ने कहा है कि आईनी तरामीम मुसवदे को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। कभी ऐसा हुआ इतना बड़ा आईनी पैकेज हो? ऑपोजिशन तो छोड़े, अपने अराकीन से भी छुपाया गया हो। असद कैसर का कहना है कि मेंबरान को अगवा किया गया, कहा गया वोट दें। क्या ऐसे कानून साजी होती है? अपोजिशन को मुतहद होकर इकट्ठे आवाज उठाना होगी। अपोजिशन ने फैसला किया, तमाम चीजों को मुशावरे से आगे बढ़ाएंगे। विफाक की तरफ से कोई राबता नहीं किया गया। बलोचिस्तान केपी के हालात कच्चे के डाकुओं का मामला है। ज़रूरत इस बात के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर अपोजिशन, उनको इस पर इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठा आवाज़ उठानी चाहिए। यानी उनके घर के ख्वातीन को अगवा किया गया और फिर जो है ना उसको कहा गया कि आप इसके बदले जो वोट दे। क्या इस तरह कानून साजी होगी? हाँ, ये तय हुआ है कि जो भी आईनी तरमीम होगी वो हम उस पर मुश्तरक का मौके रखेंगे। देखिए, अल्लाह खैर करे। जी बस मुझे यही मैं अच्छा जो हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेयूआईएफए के सरबराह मौलाना फजल रहमान के रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरतेहाल पर तफसीली गुफ्तगू। आम खबर है, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुंच गए हैं, उनकी मुलाकात हुई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। मौजूदा सूरतेहाल पर मुशावरत की गई, आईनी तरमीम और मुल्की सियासी सूरतेहाल के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर का कहना है कि हुकूमती स्टेक होल्डर्स ने कहा है कि ये जो आईनी तरामीम का ड्राफ्ट है असल नहीं, मौजूदा गर्दिश करता हुआ ड्राफ्ट दोनों पार्टीज ने मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा, सियासत में किसी की शिकस्त नहीं होती और किसी की जीत नहीं होती। हमने बानी पीटीआई के कहने पर ही मौलाना फजल रहमान से राब्ता किया। जेल में बानी पीटीआई के मौलाना फजल रहमान से मंसूब बयान का कोई ताल्लुक नहीं। के साथ हमारी हमेशा अच्छी मुलाकातें होती रहती है और जिस तरह मौलाना साहब ने दो ठोक अल्फाज में कहा कि इस वक्त जो ड्राफ्ट आपके सामने आया है वो सब ने मुस्तरद किया है और रिजेक्ट किया है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि यही ड्राफ्ट है जिसके कुछ मंदरजात आए हैं। फिर भुट्टो साहब बिलावल ने कहा है कि ये वो ड्राफ्ट नहीं है, ये कोई और ड्राफ्ट है। इसलिए जो भी ड्राफ्ट इस वक्त सर्कुलेशन में है वो दोनों पार्टी ने रिजेक्ट कर लिया है। इसके अलावा कोई और ड्राफ्ट आ जाता है फिर इंशाल्लाह ताला उस पर बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान ज़ेरे कोहना मश सियासतदान, हम उनको मना लेंगे। मौलाना फजल रहमान के तहफ़ुज़ात दूर करेंगे, हमारा फर्ज है वो तहफ़ुज़ात दूर करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजल रहमान के साथ हमारा पुराना इज्जत आबरू का रिश्ता। बानी पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान की सियासत के बारे में जो बयान दिए उनकी गूंज आज भी फिजा में है। अगर इस किस्म का सबूत मौजूद है जिससे बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है तो होगा। हम इंतजार कर रहे हैं कि कब अली अमीन गंडापुर लश्कर समेत अटक का पुल क्रॉस करते हैं। के साथ जो है हमारा एक इज्जत आबरू का रिश्ता है पुराना, वो हमारे पार्टनर भी रहे हुए हैं पीडीएम की गवर्नमेंट में, उससे पहले भी हमारा तावन जो है उनके साथ कोई 2-3-6 महीने की या साल की बात नहीं है, कई सालों पे मुहित है ये ताल्लुक सियासी और ज़ाती भी। तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला वो मानेंगे। बाकी पीटीआई वाले जो आजकल उनके पास जा रहे हैं वो ज़्यादा पुराने माजी की बात नहीं है, बड़े रीसेंट पास्ट की बात है जो
इमरान खान साहब जो उनकी सियासत के मतलब मुख्तलिफ बयान दिए हुए हैं उनकी गूंज आज भी फिजा में बाकी है, कम अज़ कम इस बिल्डिंग में बाकी है जहाँ पर उन्होंने तकरीरें की हैं उनके मतलब। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जीरक कौना मश्क सियासतदान है मौलाना, मेरे लिए बेहतराम मेरा उनके साथ बड़ा बरादराना तल्लुक है, बहुत करीबी तल्लुक बल्कि दोस्ती है उनके साथ। तो अल्टीमेटली वो हम उनके साथ जो है ना उनको मना लेंगे उनको। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा एडवोकेट को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सलमान अकरम राजा को कल तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। आम खबर है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कल तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोका है। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब भी तलब कर लिया है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रिलीफ मिल गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया है। हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के बरियत की दरख्वास्तों की समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के साथ दरख्वास्तों पर समाअत की है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने केस से बरी करने की सदा करते हुए कहा, जब तक केस हाईकोर्ट में जेर इल्तवा ट्रायल कोर्ट आगे बढ़ाने से रोक दिया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने से रोकते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ट्रायल मुकम्मल कर ले लेकिन हतमी फैसला न दे। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वफाकी वजीर इत्तला'आत अता तारड़ कहते हैं, आज तक 9 मई के वाकयात का फैसला न हो सका। आपकी एनआरओ की ख्वाहिश पुरानी, हमें कयासरायों से परहेज करना चाहिए। ये एनआरओ मांग रहे इस मामले को जल्द मंत्री के अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीरे कानून आईनी तरामीम से मुतालिक तमाम जमातों से राब्ते में रहे। मुख्तलिफ ममालिक में सुप्रीम कोर्ट अलग और आईनी अदालत अलग होती है। सुप्रीम कोर्ट अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर ही आईनी मामला जो है वो जाते हैं। क्या वजह है कि यहाँ पे 9 मई के मुलजमान हैं, उनके केसेस अभी तक डिसाइड नहीं होते और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलहदा की जाएं ताकि आईनी मामला जो है वो अलहदा डील हो सके। तो आपकी ये एनआरओ की ख्वाहिश पुरानी है जिसके अंदर एक इंसाफ के निज़ाम को आसान बनाने के लिए, उस इंसाफ की बरवक फरहमी के लिए भी शिकें मौजूद हैं। अलीमा खान कहते हैं, आज बानी पीटीआई ने पैगाम दिया कि 3 सरकारी मुलाजमीन की मुदत मुलाजमत में तौसी के लिए तरमीम लाई जा रही है। इस तरमीम को लाने के लिए कौमी असम्बली पर हमला हुआ, इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां हुई। कासिफ फायजी सर, सिकंदर सुल्तान और दियाने के लिए पाकिस्तान के निजाम को लपेटा जा रहा है। बानी पीटीआई ने कहा है कि अगर ये तरमीम लाने की कोशिश की तो मुल्क में मौजूदा से भी बदतर सूरत हाल हो जाएगी। बानी पीटीआई ने कहा है कि 21 सितंबर को अपनी कश्तियां जलाकर निकले, वो अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। 3 सरकारी मुलाजम हैं जिनको एक्सटेंशन देने के लिए पूरा मुल्क का निज़ाम लपेटा जा रहा है। असेंबली के ऊपर जो अवाम का फोरम है उसके ऊपर अटैक हुआ है और अभी जो ये बिल लेकर आ रहे थे इस इतवार को, वो बिल का मकसद ये था कि आप एक कानूनी तरीके से, जमहूरी तरीके से मार्शल लॉ लगा दें पाकिस्तान के ऊपर। लाहौर इंशाल्लाह 21 तारीख को इमरान खान कह रहे हैं कि अपनी किश्तियां जला कर निकलें। ये पुरान एहतजाज के लिए हम निकल रहे हैं और अगर आपने हमारे ऊपर जुल्म करना है हम तैयार हैं उसके लिए। हम इतनी ज़बरदस्त तरीके से तैयार हैं कि आप अपना खौफ जाहिर करेंगे जब आप खवातीन के ऊपर जुल्म और फस्तायत करेंगे। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रहे, हमारे मेंबरान को अगवा किया गया। पीटीआई आम पाकिस्तानियों के लिए उम्मीद है, ये इस उम्मीद को खत्म करना चाहते हैं लेकिन हमारा मैंडेट हमें वापस दिया जाए। पीटीआई के तमाम असीरान को रिहा किया जाए। इस वक्त कौमी असम्बली नामुकम्मल है, नामुकम्मल हाउस में कोई आईनी तरमीम नहीं हो सकती। तवक्को नहीं थी कि पीपल्स पार्टी भी आईन का हुलिया बिगाड़ने के लिए इनका साथ देगी। ये कैसी आईनी तरमीम है जिसमें अपोजिशन के लोगों को उठाया जा रहा है। हमारे मेंबरान को अगवा किया गया, ये कौन सी आईनी तरामीम है कि उसके लिए आपको अपोजिशन बेंचेस के मेंबरान को, उनकी खवातीन को उठाना पड़ रहा है।
आप हमसे तवक्को रखते हैं कि मैं आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में बात करें? पहले हमारे लीडर को बाहर लेके आए, पहले हमारा मैंडेट जो है उसका फैसला होना चाहिए। तो जब न कौमी असम्बली मुकम्मल है और ना सेनेट ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल है तो इनकम्प्लीट हाउस में आईनी तरमीम हो ही नहीं सकती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क में आईनी तरमीम के हवाले से बहरान पैदा हुआ। उन्होंने कहा पार्लियामेंट को मंडी बनाकर अरकान की खरीदो फरोख सही बात नहीं। अराकीन पार्लियामेंट को धमकियां दी जा रही हैं, सूद बारे मुकदमा पेश करने पर सोच रहे हैं। आज दुबई लीक्स के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा, पैसा कहां से आया और कहां गया, इस सब का जवाब देना पड़ेगा। उनका मजीद कहना था कि जब इदारे तबाह हो जाते हैं तो कहा जाता है उसको प्राइवेट कर दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने वकला बिरादरी से अपील की है कि वो अदलिया की आजादी में बुनियादी किरदार अदा करें। बैरिस्टर सैफ कहते हैं अदलिया के साथी में वकला बिरादरी ने बेशबहा कुर्बानियां दी, हमेशा अदलिया के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं नालायकी और नाहली के शानदार मुजाहरे पर जाली हुकूमत को खुद ही मुस्ताफी हो जाना चाहिए। जाली हुकूमत वक्ती फायदे के लिए अदलिया के असाथी दाव पर लगा रही है। मुजवजा तरामीम का मुसवदा न दिखाने से साफ जाहिर है पूरी दाल ही काली। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा जाली हुकूमत अपोजिशन का क्या अपने इत्तेहादियों को भी मुसवदे नहीं दिखा रहे। साबिक गवर्नर पंजाब और एमएनए सरदार लतीफ खान खोसा कहते हैं 8 फरवरी के इलेक्शन में एक जमात को बांधकर दीवार पर लगा दिया और एक बड़ी जमात का इलेक्शन निशान छीन लिया गया। इलेक्शन में हम सिर्फ एक बल्ला मांग रहे थे, हमें पूरा जहेज का सामान निशान के तौर पर दे दिया गया। इसके बावजूद पाकिस्तानी आवाम पर आफरीन है जिन्होंने निशान ढूंढ ढूंढ कर पीटीआई के उम्मीदवारों को दिया। इलेक्शन कमीशन ने आयन की तस्दीक की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन हुकूमत का ज़ेरी इदारा बना हुआ है। उन्होंने मजीद क्या कहा आइए आपको सुनाते हैं। देखें ये सफर शुरुआत होता है जब से ये 8 फरवरी के इलेक्शन हुए और आपने देखा और हमने देखा कि कौम जिस तरीके से एक जमात को दीवार से लगाकर और उसको हाथ पैर बांधकर इलेक्शन में उतारा गया, ताकि ये हुआ कि उसका सिंबल तक छीन लिया गया और उसके उम्मीदवारों को जो है हवा में बखेर कर आज़ाद करके जो है इलेक्शंस में जमाती तौर पर जो है वो ना जाने दिया गया। किसी की खिड़की थी, किसी का मोड़ था, किसी की फाफसा थी, यानी इतने ज्यादा जो है हमें जबरी तौर पर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं लाहौर जलसे के लिए भरपूर तैयारी है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर्ची पर आए, वो जब भी बात करता है बगैर सबूत के करता है। मैंने फैसल कुंडी को नोटिस भेज रखा है, गवर्नर की कोई आईनी हैसियत नहीं। वो बिलावल जरदारी के हुक्म के मुताबिक बयानात देता है। आईनी तरमीम समेत तमाम मामलात में गवर्नर को किरदार अदा करने का कहने का कहा गया है। गवर्नर जो है ये चाहता है इंपॉर्टेंस, मैंने नोटिस भेजा हुआ है, ये उसको साबित कर ले वहाँ पे आके, ये वायलेशन कर रहा है और इसकी हैसियत भी नहीं है। इसको ऊपर से बिलावल और जरदारी कहते हैं कि तुम इसको तंग करो, तुम इसको बयान दो। ये पहले बयान देता है फिर जाके